इधर असम के विभिन्न स्थानों के साथ बोखाघाट में भी सामाजिक संक्रमण शुरू हो चुका है बोकाघाट शहर के बीचों बीच स्थित मुररका ब्रदर्स नाम के कपड़े की दुकान के कर्मचारी मालिक के साथ कुल चार लोग कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद शुक्रवार की रात इसी दुकान के और नौ लोग कोरोना संक्रमित पाए गए इसके साथ अब तक इस कपड़े की दुकान के कुल तेरह लोग संक्रमित पाए गए हैं संक्रमण के इस घटना के बाद स्थानीय लोगों में डर का माहौल है कारण इस कपड़े की दुकान में दैनिक सैकड़ों लोग खरीदारी करने आते हैं बोका के साथ साथ अन्य इलाके के लोग भी यहाँ से खरीदारी करते हैं। हूँ बोकाघाट में और व्यापक रूप से सामाजिक संक्रमण फैल चुके हैं बोकाघाट में कारण इस बारडास मुार जो कपड़े की दुकान है इस कपड़े की दुकान से कल कल चार लोग कल चार लोग संक्रमित हो चुके थे और फिर फिर कल रात को ही फिर कल रात को ही नौ लोग संक्रमित हो चुके हैं तो बुकाघाट में अभी डर का माहौल देखा गया है स्थानीय लोग है दुकान का लोग है स्थानीय लोग है सामने का लोग है बात करेंगे क्योंकि बुकाघाट में अभी सामाजिक संक्रमण फैल चुके हैं क्या बोलेंगे बुकाघाट में अभी मुरारका में अभी तक तेरह आदमी कोविड पॉजिटिव हो चुके हैं नहीं मुरारका में हुए हैं लेकिन ये तो क्या है कि बाहर से आया हुआ है सब जितना भी कोई भी आता तो बीमारी लेके ही आया है वहाँ से पैदा नहीं हुआ बाहर से जो लेके आते हैं मास्क बिना पहने आते हैं तो दुकानदार उसको रिक्वेस्ट भी करता है कि आप मास्क पहन के आओ फिर भी यहाँ के लोग है जो समझते नहीं है मास्क पहनते नहीं है अब तो बिना मास्क के आते हैं तो हम लोग को इतना पावर भी नहीं है कि हम उसको गेट आउट कर दे कि आप जाओ बाहर में वो हम बोल भी नहीं सकते हैं जो आता है उसको समझना चाहिए कि हमारे जो कि किसी की दुकान में जा रहे हैं तो हम लोग अपना मास्क पहन के जाए सामने सैनिटाइज का भी व्यवस्था किया जाता है फिर भी उस, उसको उसको आदमी समझते नहीं है उसका मतलब उपयोग नहीं करते हैं हजारों से भी अधिक ग्राहक इस दुकान में आते हैं वो लोग खुद आना चाहिए टेस्ट करने के लिए वो भी वो लोग भी संक्रमित होने की पूरी संभावना है हाँ बिल्कुल है बिल्कुल है जो भी यहाँ पर आए हैं वो भी संक्रमित सारे ही नहीं हो सकते लेकिन फिर भी कुछ तो है ही है तो उनको भी मैं यही अनुरोध करूंगा कि वो सब कोई जाए अपना अपना स्वाप टेस्ट कराए ताकि और बाकी जगह पर संक्रमण नहीं फैले और ये आपके चैनल के माध्यम से मैं हर एक को यही मतलब अनुरोध करूंगा कि सब कोई अपना अपना मास्क पहने और दुकान में किसी की दुकान में जाने से पहले वो अवश्य करके ये मास्क जरूर पहने आप कहाँ रहते हैं आप कहाँ रहते हैं मैं इस मुरार का बरदस्त के ठीक बगल में ही रहता हूँ नाम आपका तो टेस्ट क्या है जी मेरा टेस्ट हुआ है कल में नेगेटिव आया है सारे परिवार का हुआ है मेरा भगवान की दया से अभी ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है और आगे आशा करता हूँ कि ऐसा नहीं हो आ, ये सामने के लोग हैं मुरार्का बडाश के सामने ही रहते हैं और आपका नाम मेरा नाम कैलाश अग्रवाल है कैलाश अग्रवाल सामने के लोग हैं और बोकाघाट में हम बात करेंगे स्थानीय लोग भी हैं मास्क लगा के अभी भी लॉकडाउन से तो वीकली लॉकडाउन शनिवार है आज देखा गया है बोकाघाट टाउन में मुरारका बर्डाश का अभी तक तेरह आदमी संक्रमित हो चुके हैं क्या बोलेंगे क्या बहुत बेसी वाला है बोकार बहुत ज्यादा निकल रहा है बोकारट में तो ट के स्थानीय लोग और जो दुकान है आज, आज, वीकली लॉकडाउन की वजह से दुकान सभी दुकान बोकाघाट में जो पौरो बोकाघाट म्यूनिसपालिटी जो एरिया है म्यूनसिपैलिटी इलाका का जो दुकान है दुकान पूरी तरह से बंद है जो अकबर की जो दुकान है अकबर की दुकान पेपर की दुकान खुला है हम सामने ही सामने ही रहते हैं बात करेंगे आप सभी बात करते हैं मुरारकाबारदास में अभी तक तेरह आदमी संक्रमित हो चुके हैं क्या बोलेंगे वो तो बहुत मैंने सोचने का बात है अभी तो हमको पता नहीं कैसे हुआ है कैसे नहीं हुआ हुआ है सुना है बात तो लेकिन बहुत सोचने का है। तो बात है सोचने के बाद है स्थानीय दुकानदारी है दुकानदारी से हम बात करेंगे अब सामने ही रहते हैं मुरारकाबादास के सामने ही सामने ही रहते हैं डर का माहौल देखा गया है डर तो तो मत कीजिए सावधान हो नहीं, नहीं। इसलिए इस हम तो थोड़ा लगा के गए क्या करना जो लोग दुकान में आया था वो लोग टेस्ट करना चाहिए जो लोग तो आता था था है वहाँ पर दुकान के सबको सब टेस्ट करना ही चाहिए टेस्ट करना चाहिए आपका टेस्ट हुआ है नहीं हुआ नहीं हम करेगा आज, आज करेगा रेपिड एंटीजन टेस्ट का व्यवस्था किया है प्रशासन ने और सामने का जो लोग है और जो जो पिछले दिनों में इस दुकान में आए थे उनका भी टेस्ट कराना जरूरी है क्योंकि ये मुरार्का बदाश में अभी ये हॉटस्पॉट हो चुके हैं बोकाघाट में इस मुरारका बदाश से अभी तक अभी मुरार्का बराश में अभी तक तेरह व्यक्ति तेरह व्यक्ति कोविड नाइन्टीन की शिकार हो चुके हैं और मुरार्का बदास की सात व्यक्ति और दुकान के कर्मचारी छ मूठ तेरह तेरह व्यक्ति कोविड नाइन्टीन की संक्रमित हो चुके हैं अभी बुकाघाट में देखा गया है डर का माहौल चारों तरफ